फाइव मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम अवॉइड करनी चाहिए। नंबर वन, आपकी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान न देना। काफी स्टूडेंट्स पहले से ही माइंडसेट बनाकर चलते कि स्कूल में मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, जब मेरे ट्यूशन में पढ़ाएंगे तब मैं सही से पढ़ूंगा। ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है, क्योंकि स्कूल में आप अपना मेजोरिटी टाइम स्पेंड करते हो। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, और टीचर खराब पढ़ा रहे तो सेल्फ स्टडी करो, पर उस टाइम को वेस्ट मत जाने दो। नंबर टू, एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में मेन डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी। टॉपर पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है चाहे उसका मन करे या नहीं, और वहीं एक एवरेज स्टूडेंट का मन पूरी तरह से उस पर हावी होता है, इसलिए वो लास्ट तक प्रिपरेशन टालता रहता है। इसलिए अपने मन को कम वैल्यू देना स्टार्ट करो और डेली पढ़ने की हैबिट डालो। नंबर थ्री, जोश में ये गलती मत करना कि आपने बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया और एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हमेशा अपना स्टडी मटेरियल शॉर्ट और कंसाइज रखो। नंबर फोर, स्टूडेंट्स अपनी मेमोरी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स पूरी सच्चाई दिखा देती है कि हम कितनी आसानी से चीजों को भूल जाते हैं, इसलिए जो भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करते रहो। नंबर फाइव, किसी भी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए कम इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जगह उन इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो, क्योंकि आपके 20% एफर्ट 80% रिजल्ट्स लाते हैं और 80% एफर्ट्स 20% रिजल्ट।